नमस्कार दोस्तों, मैंने इसके पहले दो वीडियो बनाए थे और दोनों में आपको बैकलाइट के बारे में बताए थे, जो कि सबके लिए एक बहुत बड़ी समझ लीजिए प्रॉब्लम है, समस्या है। ये कोई भी टेक्नीशियन अगर इस प्रॉब्लम को फेस करता है तो वो जानता होगा कि एक प्रॉब्लम आता है कि जो हमारा ड्राइवर बोर्ड को लेकर, और कोई भी ड्राइवर बोर्ड अलग से जब उसे लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जैसे इसको कहाँ पे फिट करें, उसके बाद फिट करें तो फिर ये कौन सा बोर्ड लगाएं, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न। और मैं ये करीब 3 साल से देखता आ रहा हूँ। मैं बोलना चाहा लेकिन मैं सोचा कि पहले देख लें, क्योंकि कहीं भी किसी फील्ड में अगर जाएँ तो वहाँ के सिचुएशन को देखना, रीड करना पड़ता है कि यहाँ पर कैसे लोग हैं, कौन से क्या बता रहे हैं, तो उस सब को जो है देखकर सारे काम करने होते हैं। तो मैंने बहुत सारे चीज़ों को रीड किया तो बार बार मैं देखता था, कोई यहाँ बताता था, कोई वहाँ बताता था इसके ऐसे विकल्प। तो मैं सोचता था कि इसी क्या ज़रूरत है कि जब वो चीज़ें अवेलेबल हैं तो ऐसा जुगाड़ लगाने का और करने का कोई ऐसा उचित ही नहीं बनता, क्योंकि विकल्प उसके ढूंढे जाते हैं जिसका कोई उपाय ना हो। और सामने अगर आप देखते तो उसका उपाय था, लेकिन अभी एक दूसरे को बताया, दूसरा दिमाग ना लगाना चाहा, वो ऐसे ऐसे करते करते वायरल हो गया। वायरल होके ये एक किताब भी बन गई, किताब में भी ये ऑप्शन लिखा गया, किताब में भी ये डायग्राम बनाया गया, किताब में भी ये बताया गया कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से बी एल पॉइंट यहाँ से दें, बी एल पॉइंट का हम पैनल के वोल्टेज बी एल पॉइंट, इसलिए हम। मेरा बताने का मतलब ये था कि यही रीजन है आपको देखने और समझने सीखने की, कि आप अगर खुद उस माइंड को आप वहाँ पे लगाएं, देखें, ध्यान दें, तो ऑप्शन अवेलेबल है उसी में। हमको सीखना क्या है? अगर आप ऊपर ऊपर ही पॉइंट देखेंगे तो कैसे आप जान पाएंगे कि ये हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे एनेबल, EN मतलब एनेबल हुआ, ये ड्राइवर IC है। अब अगर आपका मदरबोर्ड यानी ये LED TV का मदरबोर्ड ड्राइवर सेक्शन अगर प्रॉब्लम हो जाता है, ये काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए IC फॉल्ट हो गई, ये MOSFET फॉल्ट हो गया, या कोई कंपोनेंट फॉल्ट हो गया, अगर ये सब कुछ फॉल्ट हो गया तो ये पॉइंट जो जहाँ से आ रही है CPU से, जो हमारा प्रोसेसर IC है, जहाँ से इसको कमांड मिल रही है ऑन होने के लिए बैकलाइट को, वो पॉइंट कैसे गायब होगा? मान लीजिए ये इतना पूरा ही बर्न हो जाता है ट्रैक, और ये पूरा PCB का एरिया ही इतना बर्न हो जाता है, आग लग जाती है, तो भी ये आप यहाँ से कट करके या उस पिन पे पहुँच सकते हैं जहाँ से प्रोसेसर से आउट हो रहा है इसका एनेबल पिन। और अगर ये अवेलेबल है तो हमको वो बक कन्वर्टर, वो रेजिस्टेंस, वो पॉइंट, वो वायर यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना, जोड़ना, लगाना, लटकाना, ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसके लिए जो है इतना विकल्प ढूंढा जाए कि कोई कहे यहाँ से, कोई कहे वहाँ से। तो इसलिए हमको वो वीडियो बनाना पड़ा, और इसके लिए हम आपको कोई मेरा दुखी करने का कोई वो नहीं था। ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबको ये लगेगा कि ये अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पॉइंट ख़त्म हो जाता है। आप देखें बहुत ध्यान से तो विकल्प आपके सामने ही है, बहुत छोटे से और बहुत नॉर्मल तरीके से, लेकिन जब हम अपना ध्यान ना लगा के आप जिससे मतलब रीड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको वही विकल्प मिलेगा, क्योंकि आप आउटसाइड ढूंढ रहे हैं। और आउटसाइड कब ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है? जब एक ध्यान से पूरे चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर लें, देख लें, जब आपके ऑब्जर्वेशन से वो चीज़ें रीड ना हो पाए या आपको बहुत समय लग रहा है, तो समय को कम करने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, हमको दूसरे का सहारा ले लेना उचित भी होता है, कि कभी कभी हमारा माइंडसेट वहाँ तक नहीं पहुँचता, दूसरे का पहुँच जाता है।
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे ये जो ड्राइवर बोर्ड निकले हुए हैं, जैसे हमारा चाइना से बन के आता है, बहुत सारे ऑप्शन आपके प्रॉब्लम को देखकर ऑप्शन निकाले जाते हैं। जैसे मच्छर अधिक लग रहे हैं तो उसके दवा मार्टिन और तमाम ऑप्शन निकल जाते हैं मच्छर को मारने के लिए। तो ऐसे इसकी भी रीडिंग होती है कि जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उस प्रॉब्लम के सलूशन निकाल लेते हैं। और सलूशन निकालने का क्या होता है, फ़ायदा तभी हो पाएगा जब आप किसी प्रॉब्लम किसी समस्या का समाधान करें। यही सोचकर हम भी जो है यूट्यूब पे आए, क्योंकि आने का मतलब ये है कि कोई चीज़ परफेक्ट आप वो किसी चीज़ का सलूशन निकालते हैं तो वो सबके लिए एक बेटर है, क्योंकि वो चीज़ जो आप समस्या का समाधान कर रहे हैं वो अगर आपका सही नहीं है तो वो चीज़ें काफ़ी आगे कन्वर्ट होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले उस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो चीज़ें मतलब विकल्प है तो उसका क्या ज़रूरत। अब आते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए आपका अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट है, यानी ये प्रॉब्लम अगर हो गया है मदरबोर्ड में और ये सप्लाई काम नहीं कर रही है, तो ये ड्राइवर है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि 8 पिन होते हैं, जिनमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे नंबर अभी नहीं लिखे हैं। अभी पूरा इसके बारे में बहुत कुछ बताना है जो आपका मैटर काफ़ी क्लियर करेगा। ये यहाँ पे इसके एक एक पिन का बताएंगे, फंक्शन कैसे करता है, इसका काम क्या है, इसको कम या ज़्यादा करने से क्या होगा, और कैसे अदर जो ड्राइवर सेक्शन है वो कैसे काम करते हैं। इसमें आपका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा ये होगा कि जब आप कोई बड़े सेट में काम करते हैं और जब वहाँ पे ये शांत हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारा जो है 19 बोल्ट से 45 यानी 45 बोल्ट तक का ये काम करता है, ये जो आपका यूनिवर्सल ड्राइवर बोर्ड है। और ये है हमारा जो 12 बोल्ट से 25 बोल्ट इनपुट पे काम करता है। तो ये इनपुट हुआ 19 से 45 और ये हुआ 12 से 25, इनपुट की बात कर रहे हैं जो इसको काम करने के लिए सप्लाई दी जाएगी। आउटपुट इसका अलग होता है, आउटपुट भी जो है इसमें लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट 55 वोल्ट से 170 वोल्ट, और इसमें लिखा हुआ है आउटपुट यहाँ पे 35 वोल्ट से 85 वोल्ट, यानी 35 से 85 वोल्ट ये, और इसमें जो है 55 से 170 वोल्ट, ये इसके लिए एलईडी के लिए आउटपुट के लिए बता रहा है। अब अगर इस बोर्ड को आपको लगाना है तो आप सारी सप्लाई देंगे और फिर ये कन्फ्यूज़न होगा कि हमारी एलईडी के बैक साइड यानी ड्राइवर पे ये कितने स्ट्रिप लगे हैं, कितने वोल्टेज के हैं, सीरीज है कि पैरेलल है, तमाम ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। और मैं देखा हूँ कि उस चीज़ को सीरीज और पैरेलल करते हुए ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो जैसे लगा है उसको वैसे लगा रहने दीजिए। आप 6 बोल्ट का है, 3 बोल्ट का है, जो भी है उसे बदल दें, और बदलने के बाद जो कनेक्शन निकल रहे हैं उस कनेक्शन पे काम करें। वो काम कैसे होगा और क्यों आपको ये चीज़ें करनी पड़ रही है कि इसको पैरेलल और सीरीज, ऐसी क्या ज़रूरत है, ये ज़रूरत क्यों पड़ी। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इसको हमको अलग से लगाना है, इसलिए ज़रूरत पड़ी है। अब इसको ज़रूरत आपका इस मान लीजिए ठीक है, इसका सहारा ले लें, लेकिन जो मदरबोर्ड में है वो भी तो बन सकता है, लेकिन वो बनाने में हमको क्या ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। और नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज कहाँ से आएगा, नॉलेज खुद से आता है। आप इंफॉर्मेशन के रूप में आपसे बताए हैं कि कहीं भी आप रीड करिएगा तो उसमें, अब जैसे आपको उस पे काम करना है तो आप आईसी को देखें, आईसी के बारे में समझें, आईसी के काम को समझें, फिर उसके दिमाग लगाएं। ऑप्शन कैसे नहीं निकलेगा, अगर ऑप्शन ना निकलता तो ये कहाँ से निकलता। उसी प्रॉब्लम को
अगर वो आपको ऑप्शन उसमें बता देते तो इतना उनका फ़ायदा कैसे होता, क्योंकि कोई भी ऑप्शन बताएगा तो वो तो फ़ायदा चाहेगा। जैसे मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मुझको भी ज़रूरत होता है कि भाई व्यू जाए, हमको लोग देखें, टाइम दें, हमको भी कुछ मिले, क्योंकि हमारा भी टाइम जा रहा है, हमारा भी परिवार है। तो ये सबके लिए ज़रूरत है, ये कोई ज़रूरत नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हम फ्री में बताते हैं। फ्री में कैसे बताते हैं और क्या बताते हो, एक टाइम तो उसका जा ही रहा है जो सीख रहा है, फ्री कैसे हुआ। और जो बता रहे हो एक एक फॉल्ट से उसका कैसे दुकान या शॉप खुल जाएगा, जब वो मान लीजिए उस आप इसके कैपेसिटर को बता रहे हो आधा घंटा ले लिए और उसके दुकान पे अगर खोल के बैठे और ये कैपेसिटर फॉल्ट ही ना हो, कभी ये फॉल्ट ही ना आए और दूसरा दूसरा फॉल्ट है, वो कैसे ठीक करेगा, कितने वीडियो को देखेगा। उसको वर्किंग प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपको बहुत वो है तो उस टेक्टिस को बताना चाहिए, उस टेक्निक को बताना चाहिए जो आप टेक्निक लगा के उसको दिखा रहे हो, कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में दिखा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि कोई मान लीजिए जान लिया और फिर दोबारा आपके वीडियो देखने नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जान लिया वो बार बार ढूंढेगा कि हमको ये कहाँ से मिला था और उस चैनल को कभी भूलेगा नहीं, वो उसके माइंड में वो बैठ जाएगा कि हमारा ये इजी कर दिया, मतलब जो जीवन की कठिनाई थी उसे आसान कर दिया। अब वो दौड़ना शुरू करेगा और फिर देखेगा और कुछ नया है जो मुझे और आसान बना दे। तो किसी के रास्ते को अगर आसान बनाएंगे तो आपका जो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो है कोई वीडियो देखे ना या फिर ज़रूरत ना पड़े। हाँ, कहीं एक चीज़ अगर जा रहा है तो दूसरा चीज़ तो लॉसेज होगा, आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक चीज़ जाएगा तो दूसरा तो, यानी एक चीज़ जा रहा है तो एक चीज़ मिल भी रहा है, दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी का टाइम जा रहा है तो उसके बदले में आपको ये चीज़ें मिल रही है, अब अगर टाइम आ रहा है तो ये नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि उसको बहुत तेज तेज चलते चले जाते हैं, दौड़ लगाए हुए हैं, देखिए कहाँ है, वही रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन है। अब उस प्रॉब्लम पे आते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में क्या होगा कि ये ड्राइवर आईसी फॉल्ट हो गई, तो आप इस ड्राइवर आईसी को रिमूव कर दें, वहाँ से निकाल दें, कहाँ से, मदरबोर्ड से, ये प्रॉब्लम में है इसे निकाल दें। अब आपका उस बोर्ड में बचता क्या है, ये कॉयल, ये कॉयल मतलब ऐसे ऐसे भी होता है और एक बड़ा सा काला सा होता है, वहाँ बैकलाइट पॉइंट से आप ट्रेस आउट करके इस जगह पे पहुँच जाएंगे। वो पहुँचने के लिए यहाँ पर देखेंगे जहाँ बैकलाइट से आउट हो रही है सप्लाई, इसी वायर को पकड़कर आप ऐसे सीधे जाएंगे तो ड्राइव बोर्ड मिलेगा, ड्राइव बोर्ड से जुड़ा ये मिलेगा और इससे जुड़ा यहाँ पे ये कॉयल होगा, वही कॉयल यहाँ पे है। अब आप इस मॉस्फेट को और इस आईसी को रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे ये जो मॉस्फेट है इसके ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, और आपके बहुत सारे ओल्ड बोर्ड होंगे जिसमें से पूरा फॉल्ट नहीं होता, कोई एंड्रॉयड बोर्ड लगवाने के लिए नॉर्मल बोर्ड निकलवा देता है, या बहुत ऐसे बोर्ड हैं बहुत सारे पड़े हैं जहाँ से आप इसके मॉस्फेट के ऑप्शन जो है अगर मार्केट में नहीं है अवेलेबल है तो भी एक नंबर देख के या उसके वर्किंग वर्किंग जो पावर है उसको देख कर मैचिंग करा के इक्विवेलेंट रख सकते हैं, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन ना हो तो यही आप अलग से ले लें, और जैसा आप अलग से इसका ये सीरीज जो पैरेलल करते हैं इसको ऐसे रहने दें, सीरीज पैरेलल करने की ज़रूरत नहीं, उसको उसी पोजीशन में रहने दें और यहाँ पे इस ऑप्शन को मैच कराएं। वो कैसे, ये मॉस्फेट आप यहाँ पे लगा दें और ये आईसी को अगर आपको यहाँ पे ना लगाना हो या आईसी सेम ना मिल पा रही हो, क्योंकि हम आगे और बताएंगे कि आप किसी इस मान लीजिए ये आईसी अगर नहीं मिल रही सेम नंबर का तो ये जो डिज़ाइन है इसी पे आप किसी भी आईसी को मैच करा सकते हैं। वो आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है, जब वो चीज़ें जान लेंगे काम कैसे करता है तो आप खुद ब खुद उसको किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे सेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, इससे बहुत कम
क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ भी है, आप सीरीज से पैरेलल कर रहे हैं या पैरेलल से सीरीज कर रहे हैं, यहाँ भी आप उतना समय दे रहे हैं, उससे बहुत कम समय में ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा और विदाउट टेंशन जैसे था बैकलाइट आपका वैसे चलेगा। रियर केस में अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका भी विकल्प है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉयल हैं जो जैसे आपके वोल्टेज के अनुसार यहाँ पे इस कॉयल को लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 12 से 25 है, अब आपका यहाँ पे अगर 12 से 25 के अंदर सप्लाई है, आप इस कॉयल को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे सामान यूज कर सकते हैं इस पे। और अगर मान लीजिए आपका 45 वोल्ट या 68 वोल्ट या जो भी है, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए कॉयल ख़राब है, इसी कॉयल को आप यहाँ पर लगा दें, बाकी जो सिस्टम है ये आउटपुट का है, अपने आप वो मैच हो जाएगा उसमें। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में और समझते हैं आगे, और कुछ और बातें हैं जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, उससे बहुत कुछ आपके जो थॉट्स हैं वो चीज़ें क्लियर होगा। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि ये जान जाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे बहुत लोग हमारे पास यही नेगेटिव कमेंट्स जो कर रहे थे कि मतलब उनके बगल में कोई अगर दुकान है या सामने दुकान है या उस एरिया में दुकान है तो उसके भी हम बताएंगे, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊंगा एक्सपीरियंस, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब ऐसा कुछ ना बताएं, लेकिन मुझे अगर बताएंगे नहीं तो ये काम कैसे चलेगा। मान लीजिए वैसे भी अगर हम किसी को बताते तब भी ये सब तक पहुंचता, तो इसलिए मैंने इस मेथड को बताने का डायरेक्ट ऑप्शन निकाला कि किसी का भी ये काम आसान हो जाएगा जब वो कोई बड़े सेट पे काम करेंगे, तो ये ऑप्शन भी जो है उनके एक बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि उनका सबसे पहले बड़ा मामला जो है ये सॉल्व हो जाएगा, एलईडी वाला सीरीज पैरेलल चेंज करने का, जो अगर मान लीजिए उनका प्रॉब्लम जो भी है वैसे लगा दें, फिर जो काम करना हो यहाँ करें। और नेक्स्ट हम आपको और आसान बताएंगे इसको और कैसे इजी किया जाता है। और मैं वैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर वीडियो डाला था वहाँ, उस समय देखिए टीकान को लेकर भी ऐसे हुआ था, जो हमारा सोर्स पीसीबी है, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। सोर्स पीसीबी के बाद मैंने बैक लाइट पर डायरेक्ट दो चीज़ों का 3 साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पर आने के बाद मैं ही रुक गया था कि यहाँ पर देखें लोग क्या बताते हैं क्या करते हैं, तो ऐसा ना हो कोई क्या बताए कि ये गलत है ये वो है। तो कहीं भी किसी फील्ड में अगर जाना हो तो वहाँ का सारी स्थितियों को पहले देख लेना पड़ता है कैसे क्या है, तो इस हिसाब से मैंने इस चीज़ को कि देखा, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए देखे हैं सबको, कि अलग से बोर्ड लगाकर वायरिंग करके, और तो काफ़ी ये सब है, लेकिन बहुत आसान है। अब अगर यही आप जान जाए तो इसमें वैसा कोई ही नहीं बात, कहीं कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत है वो आप खुद भी जो साल फटाफट फटाफट लगा कर चेंज कर सकते हैं बना सकते हैं। डर कहाँ होता है? डर वहाँ होता है जब हम किसी के बारे में जानते नहीं। मान लीजिए हम एक ही रेजिस्टेंस कभी बदले हैं तो डर की वजह से इसमें जाएंगे नहीं कि पता नहीं इसको शॉर्ट कर दें तो क्या होगा, इसको शॉर्ट कर दें तो क्या होगा, या ऐसा यहाँ पे हो गया या छू दें तो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना होता तो मैं इतना प्रेशर ना करता, क्योंकि मैं देखा हूँ, और जो लोग कहते हैं कि गूगल और ड्राइव मतलब गूगल और यूट्यूब कि हमारा गुरु गूगल है यूट्यूब है, तो देखिए आज भी आप इसे सर्च करके देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कि यहाँ पे ये कौन बता रहा है, क्योंकि गूगल ही हम लोगों का जो ऑप्शन है, जो वो चीज़ें हैं वही सब तक पहुँचाता है, वही सबके हेल्प के लिए काम आता है। अगर हम ही लोग उस पे नहीं कुछ डालेंगे कुछ नहीं बताएंगे, तो गूगल एक सिस्टम है, गूगल एक प्लेटफार्म है जिस पे हम लोग मान लीजिए कोई स्टेशन है जहाँ से हम लोग ट्रेवल करते हैं, हर जगह से लोग आते हैं जाते हैं, एक ट्रेन है आती जाती है सबको लेकर, तो एक एज ए प्लेटफार्म चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, अगर उस पे कोई बताने वाला नहीं होगा तो वो सब तक कैसे पहुँचेगा और सब तक किसी के काम में कैसे आएगा,
जैसे कुछ लोगों को डर होता ना, वो जान जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा, इस पे कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा है, कहीं फ़ायदा है तो कहीं नुकसान है, दोनों में से एक चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, दोनों चीज़ आपको नहीं मिल सकते। इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों देखा जाता है। ये सब शॉर्ट टर्म है, क्योंकि किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो वो सिस्टम बंद हो जाता है, ऑप्शन दूसरा आ जाता है। तो इसमें कोई ऐसा पकड़ के रखने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जहाँ चेंज हुआ, जैसे सब कुछ VCR गायब हो गए, डेक एम्पलीफायर गायब हो गया, और CD DVD ये सब जैसे जैसे सब ऐसे, ये भी जो है आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी में एक झटके में गायब हो जाएगा। तो जब तक है तब तक ये शॉर्ट टर्म है, इसको पकड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, टेक्नोलॉजी अपने आप चेंज हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और नाराज़ मत होइएगा।